आज की रेसिपी हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करने वाले हैं और ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें आपको कचौड़ी, पिज्ज़ा, पराठे सबके टेस्ट आएंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ और चिली फ्लेक्स एंड आधी छोटी चम्मच नमक। तेल इसमें पूरी तरीके से ना ऑप्शनल है, तेल या फिर घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना हम इसका जो रोटी और चपाती की से आटा होता है ना उससे हल्का स्टिफ हल्का टाइट आटा गूंद करके तैयार करेंगे। तो फाइनली मैंने आटे को गूंद करके ना तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और अपने स्टफिंग के काम करते हैं। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और चाट मसाला एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, सो डोंट स्किप। और मैगी मसाला, आप इसकी जगह कोई और मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा क्रम्बल किया हुआ पनीर डाल रही हूँ। आप चाहें ना तो अपनी मनपसंद की कोई भी वेजीज डाल सकते हैं या फिर इसे सिर्फ आलू के साथ भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैं उसे वो भी ऐड कर लूँगी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं क्या करूँगी ना 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लूँगी और 2 चम्मच जितना मैदा लूँगी और इसे ना हम इसकी सलाई बना करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेते हैं और हरा धनिया और फाइनली थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स में मिक्स कर लेंगे और इसकी सलाई बना करके तैयार कर लेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रहेगी। और फाइनली जो हमारा आटा हमने 5 मिनट के लिए साइड रखा था ना उसे हल्का सा और में सेल लेंगे और इसके ना 3 इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाएंगे, ठीक है। इसके ना हमें 3 चपाती समझ कह सकते हो बना करके ना तैयार करनी है। उस तरीके से हम इक्वल साइज़ के 3 बॉल्स बना लेंगे और फाइनली 1 लोई लेंगे और उसे ना रोल करेंगे। अब देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सूखा आटे का इस्तेमाल करके भी इसे रोल ऑन कर सकते हैं या फिर ऐसे हो रहा है ईजिली तो ऐसे भी रोल कर लीजिएगा। और इसे ना हमें काफ़ी लंबा बेलना है, जैसे पिज्ज़ा होता है ना जैसे गोल गोल सा, जैसे कि मैंने उसे उसी शेप में रोटी की तरह ही गोल गोल सा रोल कर लिया है और उसकी थिकनेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे ना उसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सिमिलरली हम सेकेंड वाली जो हमारी रोटी चपाती वाली थी ना पूरी उसे भी रोल कर लेंगे और इसी तरीके से थर्ड वाली जो थी उसे भी रोल कर लेंगे। तो टोटल हमें 3 लोई बनानी है इक्वल साइज़ की और इस तरीके से रोल आउट कर लेना है। थिकनेस आप देख ही रहे हैं कैसी होनी चाहिए। तो फाइनली अपनी एक जो हमारी चपाती है उसे रखेंगे और उसमें टोमेटो केचप स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो उसकी जगह पर सेजवान सॉस भी स्प्रेड कर सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आती है ना वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। टोमेटो केचप जनरली सब हमेशा सबके घर पर अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने उसके साथ आपको बताया। और जो हमारी स्टफिंग है उसे स्प्रेड कर देंगे। इसे ना हमें अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है ताकि जो हमारी फिलिंग है ना वो इवनली हर जगह पे हो। और रोटी जो हमारी सेकंड वाली थी ना तो उसे भी हम रख देंगे और उसके बाद हम उस पर ग्रीन चटनी को अप्लाई करेंगे और फाइनली अपनी जो हमारी स्टफिंग थी उसे भी लेयर आउट कर देंगे और अपनी जो थर्ड चपाती थी उसे इस तरीके से चिपका देंगे। हाफ ईजी जो पक जाता है तो आपको पानी वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। और एक स्टीमर जो होता है ना आप जाली या छन्नी टाइप का कुछ इस तरीके से लीजिएगा और इसमें ना हल्का सा ब्रश से और हल्के से ग्रीस कर लीजिएगा ब्रश की हेल्प से और इसे ना रख दीजिएगा आप 10 से 12 मिनट के लिए और फोक से ना इसमें छेद कर दीजिएगा, इससे ये फूलेगा नहीं और ये अच्छी तरीके से कुक भी हो जाएगा इस तरीके से होल्ड करने से फोक के चम्मच से। अब हम क्या करेंगे ना इसे हम निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद 10-12 मिनट बाद। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ, इससे ना ये पिज़्ज़ा वाला लुक आता है और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। तो आप अपने मनपसंद शेप में भी कट कर सकते हैं बट फिलहाल मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे ना इसे मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ कैसे बना सकते हो। एक तो आप बस 2-3 चम्मच तेल में से इस तरीके से शैलो फ्राई कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन क्या है ना आपके इसमें ना स्लरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल लो और उसे ना स्लरी में डिप कर लो और फाइनली इसे फ्राई कर लो, ठीक है। और इस तरीके से ना आप दोनों तरीके से बनाओगे तो क्रिस्पी बनेगा। अब देखिए इस तरीके से अगर आप बना रहे हो ना थोड़ा ज़्यादा तेल लेके तो आपको मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है और पहली बार तरीके से बना रहे हो तो आपको थोड़ा ना लो फ्लेम रखना है, ठीक है। तो ना एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा और इसे आप चाहो ना तो स्टोर करके भी रख सकते हो, बस आपको करना कुछ नहीं है। स्टीम करके निकाल रहे हो ना तो एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में स्टोर कर दो आप। तो आराम से आपको जब आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे या फिर बच्चों को टिफिन में देना है तो आप इजीली इस टाइम पर ना शैलो फ्राई करके दे सकते हो या फिर हल्का सा 2-3 चम्मच तेल में सेक करके भी दे सकते हो। तो फाइनली ये बन करके ना तैयार हो चुका है। तो देख रहे हो ना कितने ज़्यादा यमी और डिलीशियस लग रहा है ये। आप इसे ना ज़रूर बना करके ट्राई करना, बिलीव में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
फिर मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो होप से आपको आज की रेसिपी ना अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।